Hello, I am Rajneesh, Director of Mind Power Research and Training Institute. आप सोच रहे होंगे Mind Power Research and Training Institute हमारे में ऐसी क्या खास बात है जो मानों से अलग है। बेसिकली मैं ये कहूँ कि हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो पूरी दुनिया में अपने आप में एक यूनिक और अनोखा इंस्टीट्यूट है जो हर किसी से हटके है। अब आप सोचोगे हम क्यों सबसे अलग हैं, हमारे में ऐसी क्या खास बात है, तो उसका सबसे बड़ा एक रीज़न मैं ये बताता हूँ आपको कि जो हम वर्क करते हैं, हमारा जो वर्क है वो पूरा एनर्जी के ऊपर है। हर ह्यूमन बीइंग पूरा एनर्जी का बना है, पूरा यूनिवर्स एनर्जी का बना है, और हम एनर्जी के ऊपर वर्क करते हैं, इसीलिए हमारी जो परफॉर्मेंस है वो सबसे बेस्ट होती है। सबसे बेस्ट इन द सेंस कि अगर हम ये कहें कि स्टूडेंट है तो वो जितना 10 दिन में पढ़ाई करता है वो 1 दिन में कर सकता है, और अगर हम ये कहें कि कोई कॉर्पोरेट का व्यक्ति है या कोई हाउसवाइफ है या कोई भी वो व्यक्ति जो जॉब करता है तो सुबह से शाम तक जितना भी काम करता है उसमें उसकी परफॉर्मेंस पहले के मुकाबले कई गुना, वो 100 गुना भी हो सकती है, 10 गुना भी हो सकती है, कई गुना बढ़ सकती है, और बढ़ ही नहीं सकती ऐसा हमारे पास इतने सारे रिजल्ट्स, इतने सारे रिसर्चर्स हैं कि हर वो व्यक्ति जिसने हमारा ये कोर्स किया है वो उस लेवल तक पहुँच गया है कि वो सुबह से लेकर रात तक भी काम करता है, 3-4 घंटे सोता है, फिर भी वो ये कहता है कि सर मेरे अंदर इतनी एनर्जी है कि अगर मैं वो 4 घंटे भी ना सो तब भी मैं 2 दिन लगातार काम कर सकता हूँ बिना थके। तो ये जो एनर्जी साइंस है, हमारा जो माइंड पावर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो सारी रिसर्चेस उस एनर्जी साइंस पे आधारित हैं, जो हमारे ब्रेन की वो जो जंग फैकल्टीज हैं उनको एक्टिवेट करके हमें अपनी लाइफ में सक्सेस की ओर ले जाती हैं। जो भी मैं बोल रहा हूँ वो पॉसिबल कैसे हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं वो कहते हैं सर ये तो जो आप कह रहे हो ही नहीं सकता, लेकिन ये बहुत पॉसिबल है, और हमारे रिसर्च में ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया है, और अपनी लाइफ में इस समय वो कह रहे हैं कि सर मेरी लाइफ का इस समय गोल्डन पीरियड चल रहा है, जो आपसे हम मिल के मैंने ये चीज़ अपने जीवन में डाली है। अब आपके मन में मैं एक एक करके समझाता हूँ कैसे ये चीज़ें पॉसिबल होती हैं। अब सपोज करिए जैसे मैंने कहा कि 10 दिन की पढ़ाई आप 1 दिन में कर सकते हो, आप सोचोगे दिन भर हम पढ़ते हैं, मेरा बच्चा बहुत मेहनत करता है फिर भी उतने मार्क्स नहीं ले आता, या फिर 90% लेके भी आता है लेकिन उसके लिए उसको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। तो जो मैंने बोला 10 दिन की पढ़ाई 1 दिन में कर सकते हो, वो कैसे हो सकता है मैं आपको समझाता हूँ। और समझाता क्या, मैं आपको 3 सवाल आपसे पूछता हूँ, आप बताना मेरे को अपने से कोरिलेट करके, अपने बच्चे से कोरिलेट करके। आप स्कूल में 6-7 घंटा हर बच्चा जाता है पढ़ाई करता है, घर पे भी या कोचिंग में वो 3-4 घंटे, और तो एक एवरेज देखिए तो आप 8-10 घंटा हर व्यक्ति जो बच्चा है स्टूडेंट है पढ़ाई करता है। लेकिन हर समय जो हमारा ब्रेन है, साइंटिस्ट कहते हैं हमारे ब्रेन में 24 घंटे के अंदर 60,000 विचार आते हैं, हर समय आपके ब्रेन में कोई ना कोई विचार चलता रहता है। टीचर आपको लेक्चर भी दे रहा है, आप किताब खोल के याद भी कर रहे हो, तब भी मन में कुछ ना कुछ चल रहा है, वो एज के हिसाब से अलग अलग कुछ भी हो सकता है। अब अगर मैं ये कहूँ कि वो जो 8-10 घंटे आप मेहनत कर रहे हो और 1 घंटे का भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो सही बात है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जो भी प्रोसेस कराता हूँ उससे आपका ब्रेन एकदम कंसंट्रेट होना शुरू हो जाता है, और आप खुद बताओ अगर आप पढ़ने बैठे हो उससे पढ़ाई पे ध्यान जाए और बेचारे इधर उधर के ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि नहीं पढ़ाई के लिए, जाहिर सी बात होगा। और दूसरी चीज, आप कुछ भी याद करो, साइंटिस्ट या अगर आप रिसर्च की बात करो जो अभी तक के जितने भी वैज्ञानिकों ने की है, तो उनका यह कहना है अगर आप रिवाइज नहीं करते तो सेकंड डे आप 80% भूल जाओगे, थर्ड डे 90% भूल जाओगे, फोर्थ डे 98% भूल जाओगे, और जो कि सच है। लेकिन उससे आगे की भी एक साइंस है मेटाफिजिक्स, और अगर हम उसकी बात करें तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप जो कुछ भी याद करोगे आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। अब आप खुद सोचो, एक टॉपिक को जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो साल भर में किसी भी एक टॉपिक को 5-6 बार से लेके 12-15 बार याद करते हैं। अब अगर एक बार आपने याद किया, अगर उसे जिंदगी भर नहीं भूले, तो आपका कितना टाइम और कितना मेहनत, कितनी एनर्जी आपकी बच रही है। अब तीसरी चीज जो आपकी रीडिंग स्किल है, अगर आप 10 मिनट में 2-3 पन्ने पढ़ते हो तो मैं ये कहता हूँ कि आप 10 मिनट में कम से कम 15-20 पन्ने पढ़ सकते हो, और न केवल 15-20 पन्ने आप पढ़ोगे बल्कि वो सारी चीजें आपको समझ में भी आएंगी, आप याद रख सकते हो। अब अगर ये तीनों चीजें आपके अंदर इम्प्रूव हो गई, जैसा हमारे कई बच्चों में हुई है जिन्होंने ये कोर्स किया है और इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है, उन सारे बच्चों के
जो 10 दिन की पढ़ाई वो 1 दिन में होनी शुरू हो गई। आप एक छोटा सा, मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, उदाहरण देता हूँ कि मेरे वो सभी बच्चे जो सिर्फ 40-50 मार्क्स लेके आते थे परसेंटेज में, वो सभी के सभी 90-95% लेके आ रहे हैं इस समय। और सबसे बड़ी बात ये, रोज वो 4-5 घंटे मेहनत करते थे घर पे, तब उनके 40% मार्क्स आते थे, अब वो सिर्फ आधे एक घंटे पढ़ाई करते हैं और 90% से ऊपर आते हैं। और यही नहीं, उनकी पूरी लाइफ बदल गई, क्योंकि ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है, जो हमारी रिसर्च है, वो हमारे एनर्जी लेवल पे ब्रेन के उस गहराई तक जाके हमारे ब्रेन में जो ब्लॉकेजेस हैं, जिनकी वजह से हमारी लाइफ में जो बिहेवियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स को भी खत्म कर देता है। इसलिए हमारे बहुत सारे बच्चे ना केवल पढ़ाई में ही आगे हुए हैं, बल्कि उनके अंदर जो भी चिड़चिड़ापन था वो खत्म हो गया, जो बहुत गुस्सा करते थे वो खत्म हो गया, जो बहुत शर्मीले थे, अगर 10 लोग को देख लें तो एकदम उनके मुंह से आवाज ही नहीं निकलती थी, वो अब स्टेजेस पे परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि वो सारे जो साइकिक इंप्रेशन उनके लाइफ में उनके बचपन से लेकर अभी तक जो भी है, वो आप हर एक घटना जो 24 घंटे हर किसी के व्यक्ति के ऊपर साइकिक इंप्रेशन पड़ता ही पड़ता है, तो जो ब्लॉकेजेस के रूप में उनके ब्रेन के न्यूरॉन्स में, उस पूरे स्ट्रक्चर में ब्रेन के अंदर जहां जहां ब्लॉकेजेस स्टोर थी, वो सारा इस प्रोसेस के थ्रू रिलीज हो जाता है, जिससे न केवल आपकी स्टडी इंप्रूव होती है, बल्कि ओवरऑल आपकी पूरी पर्सनालिटी निखर करके सामने आती है। और हमारा कॉन्सेप्ट भी यही है, हम और किसी मेथड की हम बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर एक मेथड जो भी आज इस पूरे वर्ल्ड में, विश्व में लोग जो अपना रहे हैं ब्रेन पावर के लिए, बहुत सारे हजारों लाखों किताबें मिलेंगी आपको, वेबसाइट आप खोजो, बहुत सारे YouTube पे वीडियोस मिल जाएंगे आपको अलग अलग जगह, लेकिन वो सारे तरीके जो भी अभी तक हैं उनकी एक लिमिटेशन है, वो सिर्फ कॉन्शियस लेवल पे आपके वर्क करते हैं। जबकि जो मेरा ये जो मेटाफिजिक्स हमारा है जिसके थ्रू मैं ये कराता हूँ, ये आपके सबकॉन्शियस लेवल पे वर्क करता है, आपका सबकॉन्शियस के अंदर अनलिमिटेड पावर्स होती है। आपके सबकॉन्शियस जब एक्टिवेट होता है, आपके कॉन्शियस के संपर्क में जब वो आता है एक्टिवेट होके, तो आप हर वो काम पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा तेज गति से, बहुत ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे कहो कि हर व्यक्ति, जो आपने सुना होगा साइंस में कि अपनी पूरी लाइफ अपने ब्रेन का सिर्फ 1-2% यूज करता है, बाकी का पार्ट आपका जंक रहता है, तो 98-99% जंक पार्ट है, हमारा यही प्रयास रहता है उसमें उस जंक पार्ट को, ज्यादा से ज्यादा पोर्शन को मैं एक्टिवेट कर सकूं। और जब वो एक्टिवेशन होता है तो आपकी परफॉर्मेंस, आपकी इस तरह की रिजल्ट्स अपने आप आने शुरू हो जाते हैं। और सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं, कॉर्पोरेट्स के लिए भी, क्यों? कॉर्पोरेट्स में लोगों की काम करने की क्षमता बढ़ गई, बाहर जितना भी स्ट्रेस है, क्योंकि जैसा आजकल माहौल है स्ट्रेस तो बढ़ता ही जाएगा, आप कुछ भी कर लो काम का लोड बढ़ता ही जाएगा, लेकिन जब आपके अंदर आपकी मशीन में, आपके ब्रेन में उतनी पावर्स है, तो क्यों ना उन पावर्स का यूज करें। तो जब ब्रेन का वो जंग पार्ट एक्टिवेट होता है, हमारे सबकॉन्शियस जब एक्टिवेट होता है, और हमारे ब्रेन की वो जो फ्रीक्वेंसी है, वो जो बीटा से अल्फा या थीटा की तरफ जब आती है, तो जो ब्रेन वेव्स हैं, जब वो पैटर्न्स बदलते हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस अपने आप बढ़ जाती है। अगर आप क्वांटम फिजिक्स की बात करो, जो आइंस्टीन ने भी बोला E=mc², अगर हम उसके अनुसार भी चलें, तो साइंस यही कहता है कि जो हर व्यक्ति का ब्रेन जो बीटा पे वाइब्रेट कर रहा है, अगर वो अल्फा या थीटा में आ जाए, तो आप पहले के मुकाबले 10 गुना ज्यादा तेज गति से काम कर सकते हो, बिना थके, उसी एनर्जी के साथ। और ये जो हमारे प्रोसेसर्स हैं, जो कॉर्पोरेट्स के लिए हैं, बड़े लोगों के लिए हैं, हाउसवाइफ्स के लिए हैं, बिजनेसमैन के लिए हैं, हर उस व्यक्ति के लिए जो अपनी लाइफ में चाहता है कि एक्टिव होके जिए, एक खुशहाल जीवन जिए, उसके लिए जो मेरे प्रोसेसर्स हैं, उसके वही ब्रेन की उन फ्रीक्वेंसीज को, उस एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन को बदल करके उस बीटा से अल्फा और थीटा की ओर लेके आता है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में एक इनर हैप्पीनेस आनी शुरू हो जाती है, हर समय एक खुशी की फीलिंग अपने अंदर होती है, और बाहर का जितना भी स्ट्रेस है, बाहर काम तो उतना ही है, जितना भी वर्कलोड था, बल्कि वो कहता और काम दो, क्योंकि मेरे को फील ही नहीं हो रहा, स्ट्रेस पता ही नहीं चल रही, मेरी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा हो गई है, तो जाहिर सी बात है आप काम बहुत अच्छा करोगे तो आपका भी प्रमोशन होगा, और पहले के ज्यादा मुकाबले ज्यादा तेज गति से, ज्यादा अच्छे के साथ।
यही नहीं, बहुत सारे लोगों की इतनी सारी पुरानी पुरानी डिजीजेस जो ब्रेन से रिलेटेड या फिजिकल भी थी, मैंने ये देखा कि उनका वो भी एकदम तुरंत का तुरंत इन 6 दिनों के अंदर अंदर क्योर हो जाता है। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जो 20-20 साल से इतना हैवी ट्रैंकुलाइजर ले रहे हैं नींद ना आने के लिए। ये लोगों को इतने सालों से माइग्रेन और अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स थी, वो इन 6 दिनों के अंदर अंदर कैसे गायब हो गए उनके ब्रेन से, वो खुद आश्चर्यचकित हैं, डॉक्टर्स उनके आश्चर्यचकित हैं। हमारे पास कई सारे डॉक्टर्स की टीम आके करके गई है और वो खुद सोचते हैं कि सर अगर बुक्स की बात करें तो अगर कोई हाईली बहुत मेडिटेशन करता हो डेली 2-3 घंटे तब भी उसको कई साल लगेंगे, वो भी 100 में 1-2 लोग ही वहां तक पहुंच जाते हैं कि वो जो फ्रीक्वेंसी है ब्रेन की वो बीटा से अल्फा की हो रहा है। लेकिन आपका इन 6 दिनों में कैसे मिरेकल हो जाता है? अल्फा तो अल्फा, कई लोगों की फ्रीक्वेंसी थीटा लेवल पे पहुंच जाती है, ये कैसे पॉसिबल है? तो मैं आपको बताऊं, ये भी साइंस है, ये उस मेटाफिजिक्स की बात मैं कर रहा हूं, उस क्वांटम फिजिक्स की बात कर रहा हूं, उस क्वांटम हीलिंग की बात कर रहा हूं। अब कुछ लोग के मन में आएगा कि ये क्या है क्या है, कुछ लोग शायद हो सकता है कोरिलेट करें, जैसे आजकल जैसे प्राणिक हीलिंग है, रेकी है, क्या ये वो तो नहीं है? लेकिन नहीं, मैंने आपको बताया ये उससे भी बहुत आगे की साइंस है जो आपके ब्रेन के उन जंग फैकल्टीज को एक्टिवेट करके आपको आपके स्टडी में, आपको आपके करियर में सक्सेसफुल ऊंचाइयों तक ले जा सकती है जहां आप सोच भी नहीं सकते। अब अगर हम बात करें, आप ये सोच रहे हो कैसे ये एक्टिवेशन होता है, कैसे क्या होता है, मैं बहुत छोटा सा, बहुत सारे कारण होते हैं जो अलग अलग लेवल्स पे आपके अंदर होता है, एक छोटा सा मैं आपको बताता हूँ क्योंकि इतना लंबा इंट्रो में बताया भी नहीं जा सकता, वो तो जब आप क्लास करोगे 6 दिन में पूरा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आपके ब्रेन में बेसिकली 1000 एनर्जी सेंटर्स होते हैं जो अलग अलग चीजों के लिए जिम्मेदार है। अब आप सपोज करो स्पीड के लिए, मैंने कहा स्पीड आपकी 10 टाइम्स हो जाएगी, उसके लिए 9 एनर्जी सेंटर्स होते हैं आपके ब्रेन में जो जिम्मेदार है। आप मेमोरी के लिए अलग एनर्जी सेंटर्स होते हैं जो आपके अंदर जो साइकिक इंप्रेशन जो पड़ता है उसको रिलीज करने के लिए अलग आपके अंदर एनर्जी सेंटर्स हैं। अगर उनको हमने एक्टिवेट कर लिया तो वो सारे फोबियाज, वो सारा डर जो किसी भी चीज से आप डरते हो वो सब रिलीज हो सकता है, आपकी परफॉर्मेंस हर लेवल पे बढ़नी शुरू हो जाती है। ये एनर्जी सेंटर्स वैसे ही, आप सोच रहे हो एनर्जी सेंटर्स क्या होता है, ये एनर्जी सेंटर्स वैसे ही हैं जैसे एक कमरा है उसमें फैन का स्विच अलग होगा, ट्यूबलाइट का अलग होगा, एसी का अलग होगा, उसी तरह से हमारे ब्रेन में भी ये स्विचेस ही समझ लो आप, जो आप फील करोगे जब मैं यह प्रोसेस आपको कराऊंगा कि कैसे वो एक्टिवेट हो रहे हैं, कैसे आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है और कैसे आपके अंदर का वो सारा फोबिया, वो सारा डर, वो सारी वीकनेसेस, वो सारी बीमारियां आपके अंदर से रिलीज होके आप एक सक्सेस हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी सकते हो। तो ये मेरा माइंड पावर कोर्स सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, सिर्फ बड़ों के लिए नहीं है, हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपनी लाइफ में एक सक्सेस को पाना चाहता है। और ये बहुत अनमोल चीज है, इसको प्राइस से कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो आप अपनी लाइफ में फील करोगे, मुझे मिलते हैं कई सारे स्टूडेंट जो जब मिलते हैं तो एकदम उनके आंख में आंसू होता है, कई लोगों के कहते हैं सर जैसा मैं पहले था और अब जैसा मैं हूँ आपने मेरा जीवन बदल दिया, लेकिन मैंने नहीं बदला, ये आपकी मेहनत है, जो मैंने वो कराया आपने अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट किया तो आपने अपना खुद का जीवन बदला। तो आप भी अपनी परफॉर्मेंस को बहुत बढ़ा सकते हो और अपनी लाइफ में उस सक्सेस को पा सकते हो। अब मैं कुछ फीडबैक शेयर करूंगा आपको। मैं अक्षत सिंह हूँ, मैं क्लास 10A का हूँ। शुरुआत में डाउट था कि कुछ होगा या नहीं होगा, बट स्टिल किया, घर वालों ने कहा कर लो, मुझे भी था करके देखते हैं। फिर बाद में पहले दिन से ही इम्प्रूवमेंट दिखा, रीडिंग स्पीड बढ़ रही थी, रोज़ बढ़ी और कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ा। पहले क्या एक काम करते थे उसमें भी सोचते रहते थे ये करना है वो करना है, अब जो करते हैं वही करते हैं और कुछ तो करते नहीं हैं। इसी बात पहले तो कुछ भी नहीं हो पाया था सबके चक्कर में, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, बाकी मेरी लड़ाइयाँ भी नहीं होती अब ज़्यादा। मेरा नाम आकाश है, मैं 10th A का हूँ, मैं के 3rd में पढ़ता हूँ। पहले मुझे भी लगता कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन जब से मैंने ज्वाइन करा है मैं अभी बहुत ज़्यादा मेरा बढ़ चुका है, मैं कॉन्सेंट्रेशन इतना हो गया कि अगर मैं बैठता हूँ तो फिर उठने का मन ही नहीं करता। पहले मैं सोचता था खेलने में चला जाऊँ ये कर लूँ, लेकिन अब जब तक काम नहीं होता तब तक मैं कहीं नहीं जाता, पर सर की वजह से मेरा इतना हो गया है कि मैं, मुझे अभी चोट लगी फिर भी मैं इतना खेलना उसका कुछ पता भी नहीं, चोट लगी है वो पूरा अच्छा हो चुका है। मेरा नाम सुधांशु जायसवाल है, मैं महानगर 3rd कैंपस पढ़ता हूँ 10th क्लास में। पहले मुझे लग रहा था कि इस क्लास में जैसा सर ने कहा था वैसे शायद ही हो पाएगा, बहुत ही मुश्किल लग रहा था,
लेकिन जब से क्लास ज्वाइन की है तब से बहुत अच्छा लगता है। इम्प्रूवमेंट तो बहुत ढेर सारा हो गया है, रीडिंग स्किल मेरी काफ़ी अच्छी हो गई, अब जो पढ़ता हूँ वो याद रहता है, रिकॉलिंग पावर अच्छी बढ़ गई है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा हो गया है। पहले जब काम पढ़ता था तो समझ में नहीं आता था, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता था, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। मेरे बिहेवियर में भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है, पहले गुस्सा बहुत आता था, लड़ाइयाँ बहुत होती थी, लेकिन अब कम हो गई है। पेरेंट्स भी कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा चेंज आ गया है तुम्हारे में। सर मैं क्लास 12 डी में पढ़ती हूँ और CMS मोहाना का थर्ड कैंपस से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम पूजा वाजपेयी है और ये सेशन ज्वाइन करने से पहले मुझे थोड़ा बहुत अजीब सा लग रहा था कि ऐसे चेंजेस नहीं आ सकते हैं, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, अगर मैं पढ़ाई नहीं कर सकती थी तो अब मैं कर सकती हूँ और बहुत हैप्पीनेस से अंदर से मुझे फील होती है और बहुत खुशी लगती है मुझे कि जो है, हाँ घर में भी सब लोग कहते हैं तुम्हारा नेचर चेंज हो रहा है और ऐसा लगता है जो काम हम नहीं कर सकते थे वो अब हम कर सकते हैं। टीचर्स के ऊपर भी अब इतना गुस्सा नहीं आता है जैसे आता था कि जो है, हाँ अब ये टीचर आएंगी तो मुझे डांटेंगी, फिर से वही नंबर के बारे में बोलेंगी, कितने कम नंबर आते हैं, पढ़ाई नहीं करती हो ये वो। अब ऐसा नहीं लगता है, लगता है कि हम पढ़ाई इनके क्लास में कर लेंगे और ये हमको डांटेंगे भी नहीं आगे। मेरा नाम शिवांगी यादव है, मैं 12th B से बिलोंग करती हूँ और महानगर CMS कैंपस में पढ़ती हूँ। मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं, जैसे कि मेरी रीडिंग स्पीड बढ़ी है और कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ा है। जैसे पहले मेरा ध्यान नहीं लगता था, मैं एक मिनट के लिए किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाती थी, अब मैं जो पढ़ रही होती हूँ वो उस पर फोकस कर सकती हूँ और उसको रिकॉल भी बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। इस टाइम मेरी लर्निंग पावर बहुत इंक्रीज़ हुई है और मुझे सबसे मोस्ट है कि मैं गुस्सा कभी नहीं आता है, अब बहुत कम हो गया। जैसे मैं अपने भाई से झगड़ा करती थी, अब ऐसा कुछ नहीं है और मेरे अंदर बहुत सारे इम्प्रूवमेंट, बहुत चेंजेस आए हैं। ऐसा मेरी मम्मी और मेरे डैड सब नोटिस करते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा बिहेवियर बहुत चेंज हो रहा है, दो दिनों से बहुत सारे इम्प्रूवमेंट उन्होंने देखे हैं। मैं अभिषेक अग्रवाल, क्लास 10th A में पढ़ता हूँ, CMS मानव कैंपस 3rd में, और मेरे वर्कशॉप ज्वाइन करने के बाद मेरा कंसंट्रेशन बहुत बढ़ चुका है। पहले मैं बहुत कम कंसंट्रेट करता था, जब मैं पढ़ने बैठता था तो और सब सोचने लगता था और फिर पढ़ाई मेरी बिल्कुल नहीं होती थी, लेकिन अब मैं पढ़ता हूँ तो पूरा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ता हूँ, उस वजह से जल्दी पढ़ाई होती है और सब याद भी रहने लग गया है। और मैं इनर हैप्पीनेस फील करता हूँ, मैं जो मतलब मुझे अपने अंदर बहुत अच्छी फीलिंग आती है, मैं लगता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ और मुझे किसी चीज़ का कम नहीं है। पहले मेरा मतलब पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता था तो मैं उतना अच्छे से नहीं पढ़ पाता था, पढ़ता था लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता था। अब कंसंट्रेशन बढ़ गई तो और स्पीड भी अच्छी बढ़ गई है तो अब सब कुछ बहुत जल्दी काम हो जाता है, और पहले बहुत टाइम लगता था उसमें लेकिन अब बहुत जल्दी पढ़ लेता हूँ। मेरा नाम निधि सिंह है, मैं क्लास 12th D से बिलोंग करती हूँ और मैं CMS महानगर 3rd बिल्डिंग में पढ़ती हूँ। मेरे अंदर बहुत चेंजेस आए हैं, मेरे घर वाले भी कहते हैं और मुझे पढ़ाई भी करना अब अच्छा लगने लगा है। मेरे टीचर्स भी मेरे ऊपर अब गुस्सा नहीं करते हैं और मैं अक्सर बीमार रहती थी, जो कि अब मैं बहुत अच्छा फील करने लगी हूँ और मुझे इरिटेशन भी नहीं होती है। मेरा नाम अभिषेक पाठक है, मैं क्लास 10C में महानगर 3rd कैंपस से हूँ। जब मैंने क्लास ज्वाइन किया था, जब पहले सुना था कि सर जो बोल रहे हैं, मुझे लगता था ऐसे ही बोल रहे हैं, कुछ होगा नहीं, मगर जब से क्लास ज्वाइन की तब से बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। पहले मैं 10 मिनट में कम से कम 6-7 पन्ने पढ़ लेता था, मगर कम से कम 13-14 पन्ने पढ़ लेता हूँ। और पहले जब भी पढ़ने बैठता था तो कुछ कहीं इधर उधर मन लगने लगता था, मगर कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा हो गया है, पढ़ने में भी मन लगता है। अब एग्जाम में देखते कैसे मार्क्स आते हैं, मगर लगता तो है इम्प्रूवमेंट बहुत हुआ है। आई एम विपुल सिंह ऑफ क्लास 11th B फ्रॉम द स्कूल CMS महानगर 3। आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड अर्लियर, बट आफ्टर ज्वाइनिंग द क्लासेस ऑफ सर, आई हैव सीन मच इम्प्रूवमेंट इन मी। My concentration have increased and my bad habits have also been decreased. I feel much better than earlier. Thank you. मेरा नाम हर्षिकेश तिवारी है, मैं 10th A में पढ़ता हूँ। शुरुआत में जब मैंने ज्वाइन किया तो पहले दिन से मुझे लगा कि मेरी रीडिंग स्किल्स बढ़ गई, मैं तेज पढ़ने लगा था और जो मैं पढ़ता था वो मुझे समझ में भी आता था और मेरी याद रखने की भी पावर अच्छी हो गई थी। मुझे दूसरे तीसरे दिन से खुशी महसूस होने लगी, मैं कुछ भी अगर सैड मोमेंट होता तो मुझे उस पर इतनी दुखी नहीं आती थी, मेरी वीकनेसेस भी आने लगी थी और बहुत से फोबियाज थे, जैसे मैं बहुत अच्छे से कुछ बोल नहीं पाता था तो वो भी जाने लगा है। और अब तो सब मेरे घर पर भी हो गया है कि मैं लड़ाई भी ज़्यादा नहीं करता, मैं गुस्सा भी आता था पहले, मुझे इरिटेशन बहुत होता था, वो भी अब नहीं होता है। मेरा अपूर्व मिश्रा है, मैं क्लास 12D से हूँ, कॉमर्स सेक्शन 11th 3rd महानगर।
मैंने सीक्रेट मूवी देखी थी, उसमें लॉ ऑफ एडिक्शन था, उसके बारे में बताया गया, मैंने उसको लागू किया, पर कोई फ़र्क नज़र नहीं आया मुझे कोई खास। उसके बाद आप आए, सर आए, आर के मिश्रा सर, तो आप लोग, आपने बताया माइंड पावर के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी आपने बताया, तो मैं टीचर से भी बोला कि ज्वाइन करो, देखो क्या होता है। मैंने ज्वाइन किया, मैं पहले दिन से बहुत रिलैक्स महसूस करने लगा, मेरा माइंड मतलब कॉन्सेंट्रेट हो गया, कोई फालतू के विचार विचार एकदम बिल्कुल नहीं आते थे। फिर जहाँ मैं आधे घंटे पढ़ता था, मैंने चार घंटे तक लगातार स्टडी की है, मैं आधे घंटे भी नहीं बैठ पाता था अपनी स्टडी को लेके। और जिस सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमिक्स है, मुझे लेके बिल्कुल पसंद असर नहीं था, उसका कोई भी फॉर्मूला नहीं पसंद था, मैं उसके डायग्राम वाइग्राम को बहुत अच्छे से समझने लगा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम निशान आब्दीन है, आई एम फ्रॉम क्लास 12 CMS महानगर थर्ड बिल्डिंग। एक्चुअली जब मैंने चालू किया था ये क्लासेस अटेंड करना, तो मैक्सिमम 2 पेज या 3 पेज पढ़ पाता था, अब मेरा ये हो गया कि 8 से 9 पेज पढ़ जाता हूँ 10 मिनट। एक्चुअली सबको प्रॉब्लम होता था कि कंसनट्रेट नहीं कर पाते हो क्लासेस में, ये वो सो जाते हैं, अब जब पढ़ने बैठते हैं तो आराम से 2 घंटा तो मिनिमम पढ़ ही लेते हैं एक स्ट्रेच पे। पहले तो वो भी नहीं हो पाता था, अब थोड़ा कंसंट्रेशन भी हो गया ऐसे, अब पढ़ने का मन भी लगता है, घर वालों से भी नहीं बनती थी, अब घर वाले भी थोड़ा खुश रहते हैं कि कोई मिल के रहता है। हाय, मेरा नाम मोहित श्रीवास्तव है, मैं 10th C से हूँ महानगर सिंह। शुरू में मैंने जब ये क्लास ज्वाइन किया था तो मुझे नहीं लगा था कि ऐसा सच में हो सकता है, बट जैसे मैंने अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखा, पहले मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाता था और मैं रोज़ सोचता था कि मैं पढ़ूंगा, लेकिन जब मैं बैठता था तो ऐसा मतलब होता नहीं था, मेरा मन कहीं और नहीं है। लेकिन अब मैं कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ भी ले सकता हूँ। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें मुझे बहुत डर लगता था, टीचर्स भी थे ऐसे जो जिनसे बहुत डरता था, लेकिन अब मैं ऐसा सोच के सुबह या फिर इनकी मतलब उनको फॉलो करता हूँ और फिर मुझे उनसे डर भी नहीं लगता और वो भी मुझसे प्यार से बात करते हैं, और फिर मेरी रीडिंग स्किल्स भी बढ़ी हैं, जैसे कि मैं पहले बहुत कम पढ़ पाता था और अब तो 3-4 पन्ने पहले पढ़ता था, अभी तो मैं 6-7 पन्ने आराम से पढ़ लेता हूँ और फिर उसको मैं रिकॉल भी कर सकता हूँ। मेरा नाम शिवम प्रताप सिंह, CMS महानगर थर्ड कैंपस से हूँ और क्लास 10th। जैसा कि हम लोग जानते हैं, कोई भी नया किसी नई चीज़ में इन्वॉल्व होने के लिए और जब बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हो तो बिल्कुल ही मन नहीं मानता है, मगर मेरा भी हिसाब यही हुआ। मगर फर्स्ट डे क्लास करने के बाद चला कि इसमें सिर्फ जैसा हम लोगों को प्रोग्राम बनाया गया था इसके, कि सिर्फ ब्रेन का नहीं बल्कि एक पॉजिटिविटी डेवलप हो रही है। डे टू डे पता चला कि मेरी रीडिंग में कितना इम्प्रूवमेंट आ गया है, मेरा कंसंट्रेशन लेवल स्कूल से बहुत सी कंप्लेंस आ चुकी थी घर वालों के पास में कि शिवम सब्जेक्ट्स के पढ़ाए जाने के बाद कंसंट्रेशन नहीं करता है, मगर उसके बाद पता चला कि मेरा कंसंट्रेशन लेवल कितना बढ़ चुका है। मेरे पेजेस जो कि मैं सिर्फ 6 to 8 पढ़ पाता था, अब जाके 12, 13 और 14 तक पहुँच गए थे लास्ट डे तक, और अब तो करने के बाद लग रहा है कि लगभग साइड दिक्कतें खत्म हो चुकी है। संजय शर्मा है, मैं क्लास 12 से हूँ CMS से। पहले जब सर ने बताया कि ये सब भी हो सकता है, लेकिन मुझे उस टाइम यकीन नहीं था, लेकिन जब मैंने इम्प्रूवमेंट अपने आप में देखा कि पहले मैं 3-4 पन्ने पढ़ पाता था, लेकिन अब मैं 6-7 पन्ने पढ़ सकता हूँ 10 मिनट में, अब मेरे कंसंट्रेशन पावर भी अब स्ट्रांग होने लगी है, मैं लर्न भी कर सकता हूँ आराम से थोड़ा, मैं खुश भी रहने लगा हूँ, और घर वाले भी कहते हैं कि अब तुम्हारा बिहेवियर चेंज होने लगा है और मेरा गुस्सा भी अब शांत हो गया। हेलो, मेरा नाम विनय सिंह है, मैं 9 AMS CMS में पढ़ता हूँ, थर्ड बिल्डिंग महानगर। और पहले जब मैं इस क्लास में आके बैठा था, मैंने सर को सुना तो मुझको लगा कि ये सब नहीं हो सकता है मतलब, और ये सब पॉसिबल नहीं है, लेकिन तभी मैंने उसे सही से किया। आज मतलब पहले मैं 10 मिनट में पढ़ लेता था 6 पन्ने, अब मैं 14 पन्ने पढ़ लेता हूँ, और अब मैं मतलब थोड़ी देर ज़्यादा पढ़ सकता हूँ उससे। पहले मैं 15 मिनट 20 मिनट से ज़्यादा मेहमान नहीं लगता था, मैं इधर उधर सोचने लगता था, अब मैं 2-3 घंटे पढ़ सकता हूँ आराम से।